हेलो टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको नाइलिट की जॉब्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको नाइलिट में कई सारे रिक्वायरमेंट्स निकली हैं, तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो चलिए आइए आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट पे गूगल पे जाना है। ओके, गूगल आपका जो सर्च इंजन से ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है आपको nilet.gov.in। ठीक है, वेबसाइट ध्यान रखिएगा nilet.gov.in। यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, उसके बाद जो नाइलेट की साइट है इसको ओपन कर लेना है आपको। आप यहाँ पर आइए रिक्रूटमेंट पर और इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। एंगेजमेंट फॉर द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मीन्स प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट निकली है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की निकली है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की निकली है एंड MTS मीन्स मल्टी टास्किंग स्टाफ की निकली है। और ये जो जॉब है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। देखिए, आप तो सभी जानते हैं आजकल गवर्नमेंट में बहुत सारी शॉर्ट टर्म बेसिस जॉब निकलती है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉब निकली हुई है और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 6 मई 2022 की है। ठीक है, यहाँ पे जब आप सबसे पहले क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे देखिए आपको सारी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि कौन सी क्वालिफिकेशन पर आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एज लिमिट भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, तो खैर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए तो BE, BTech इस तरीके की आपको डिग्री चाहिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए भी BE, BTech डिग्री चाहिए, जो एज लिमिट है 45 है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो सकते हैं। यदि आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है, साथ ही साथ में आपके पास कंप्यूटर के ऑपरेशन की नॉलेज है, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में नेक्स्ट जो है वो है आपका MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें उन्होंने 12th पास मांगा है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो उन्होंने यहाँ पे 30 ईयर्स बताई हुई है। साथ ही साथ में यहाँ पे सैलरी भी है, सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी है। MTS की 20,000 की है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 35,000 की है। साथ ही साथ में यदि एसोसिएट प्रोजेक्ट है तो उसकी 50,000 की है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की 95,000 प्रति महीने की जॉब है। ओके, तो ये तो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको यदि इसका फॉर्म भरना है तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जस्ट क्लिक करिएगा, तो इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको भर देना है। फॉर्म बड़ा आसान है, यहाँ पे देखिए आपको अपना फोटो लगाना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में यहाँ पे नेम आना है, यहाँ पे आपके नेम रहेंगे। जैसे कि सपोज नेम प्रज्ञा है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना होगा P, ओके, देन R, इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में पूरे उसकी एंट्री करनी होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे ब्लॉक्स में लिख देना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से फादर्स नेम भी जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो मदर्स नेम आपको मेंशन करना है, फिर आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, और ध्यान रखिएगा एक ब्लॉक में एक ही लेटर रहेगा, वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, आपको पिन कोड बताना है, फ़ोन नंबर, आप जिस पे अवेलेबल रहते हैं वो मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस उन्होंने मांगा है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, और यहाँ पे मेंशन करना है आपको मेल और फीमेल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है, देन आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करिएगा, एक ब्लॉक में एक ही जो नंबर है उसको मेंशन कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी बता देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लिख देनी है, जैसे कि बीटेक है तो बीटेक लिख दिया, 12th है तो 12th लिख दिया, ऐसे कंप्लीट पूरी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो बीटेक आप भरेंगे
है ना, उसके बाद फिर ट्वेल्थ की लगा दीजिएगा मार्कशीट, फिर टेंथ सॉरी मतलब ट्वेल्थ मेंशन कर दीजिएगा, फिर थर्ड नंबर पे टेंथ मेंशन कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे बोर्ड बता दीजिएगा किस बोर्ड से आपने ये डिग्रियाँ ली हुई हैं, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना है, यहाँ पे आपको अपनी ग्रेड बताना है किस कौन सी ग्रेड आपकी बनी है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अपना वर्क एक्सपीरियंस। यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या कहीं और नौकरी करते हैं तो जो भी पोस्ट पे आप नौकरी कर रहे हैं वो सारा आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा, किस पोस्ट पर आप रह चुके हैं वो लिखना होगा, आप कब से नौकरी कर रहे हैं, कब तक आपने करी है, और यहाँ पे आपके क्या क्या ड्यूटीज थी वो आपको लिखना होगा, और आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, दिया यहाँ पर कि आपका जो अपना टोटल एक्सपीरियंस है वो आपको ईयर एंड मंथ के साथ बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना टोटल एक्सपीरियंस बताना है, कितने साल का है, कितने मंथ का है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, मीन्स आपको टेंथ की मार्कशीट जो है या टेंथ का जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब जो भी आप मार्कशीट की फोटोकॉपी करवाएंगे उस मार्कशीट पे आपको पहले अपने सिग्नेचर करने होंगे, और सिग्नेचर करने के बाद फिर आप उस मार्कशीट को अटैच करेंगे। ठीक है, और फिर आपको अपना जो पैन कार्ड है उसकी फोटोकॉपी करा के साइन करने होंगे अपने, और फिर जितनी भी आपके मार्कशीट हैं जो भी आप लगा रहे हो उन सभी मार्कशीटों की फोटोकॉपी पे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, सिग्नेचर करके आपको उसको आगे भेजना होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे फिर प्लेस, अपनी रहने वाली जगह, डेट, नेम, सिग्नेचर, इस तरीके से आपको इस पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, फिर इस पूरे फॉर्म को भरने के बाद ये देखिए आपको पूरा एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भेज देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस तरीके से अपना पूरा फॉर्म भरना है, अपनी मार्कशीट जो भी है आपकी उसकी फोटोकॉपी कराना है, उसमें सिग्नेचर करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, फोटो लगाना है सिग्नेचर करके, और इस पते पर आपको अपने फॉर्म को भेज देना है, और ये फॉर्म आपका 6 मई के पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।